हरदोई के कैम्ब्रिज स्कूल के प्रांगण में चल रही श्री राम कथा के पांचवें दिन कथा मंडप में पहुंचे श्री राम कथा व्यास प्रेम मूर्ति प्रेमभूषण महाराज ने व्यासपीठ को प्रणाम किया और व्यासपीठ पर विराजमान हुए उनके पश्चात श्री राम कथा के आयोजक राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने और उनके बेटे आदि तिवारी ने बेटी अदिति तिवारी सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ व्यास पूजन किया गया। इस दौरान मंगल आरती भी उतारी गई। महाराज श्री ने कहा कि किसी ने शंका व्यक्त की कि संत ऋषि मुनियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जिसे परिभाषित करते हुए महाराज ने कहा कि योगी जी तो राजसत्ता परंपरा के ही योगी हैं, योगी अर्थात जो भगवान से जुड़ा हुआ है। पूज्य श्री ने कथा प्रसंग में कहा कि राम को विष्णु जी का अवतार कहने की गलती ना की जाए, भगवान राम स्वयं परब्रह्म हैं। महाराज श्री ने कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सनातन ग्रंथों की सीख यही है कि योग्य उत्तराधिकारी का चयन करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। योग्य व्यक्ति का चुनाव नहीं करने पर परिणाम खराब आते हैं। श्री राम कथा के पंचम दिवस पर श्री राम कथा को श्रवण करने पहुंचे मुख्य अतिथियों में अध्यक्ष विधानसभा सतीश महाना, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु विजयलक्ष्मी गौतम, अजीत सिंह पाल, सुरेश राही, जसवंत सिंह सैनी, डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, विधायक रामपाल वर्मा आदि ने मंच पर पहुंचकर महाराज जी का आशीर्वाद लिया। श्री राम कथा प्रेमियों का कहना है कि दोपहर में जैसे ही लगभग 2:30 बजते हैं, महाराज श्री की कथा में आनंद की होने वाली अनुभूति के चलते मन के वशीभूत पैर स्वयं ही कैम्ब्रिज स्कूल की ओर चल पड़ते हैं, जहां पर लगभग 3.5 घंटे श्री राम कथा के अलौकिक प्रसंगों को सुनकर जीवन में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कटान हरदोई में भी हुआ है सर, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? कोई उसका प्रभाव नहीं है। हरदोई में लगभग 22 घर प्रभावित हुए थे, उन सब की व्यवस्था कर दी गई और हम समझते हैं इस समय किसी प्रकार का कोई बाढ़ यहाँ पर नहीं। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पर? आदरणीय प्रेमभूषण जी की कथा सुनने के लिए विशेष रूप से आए थे। हमने पहले अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और आज इसके बाद यहाँ पर कथा का श्रवण किया। जितनी देर कथा सुनते हैं उतनी देर दूसरों की बुराई, चुगली, अहंकार, ईर्ष्या। ब्यूरो रिपोर्ट।